Hello everyone, welcome to the Pathshala by Supreeta Meeja. Here I am with my second lecture and today we are going to start a very important unit of paper 1 of NTA UGC NET Teaching Aptitude. लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं यहाँ पर रोज जो है वीडियोज अपलोड करती हूँ पेपर 1 के सारी रिकॉर्डिंग. इसी के साथ साथ मैं अन अकेडमी पर रोज लाइव क्लासेस लेती हूँ. मुझे अन अकेडमी पे ज्वाइन करने के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. इसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन ऑल माई क्लासेस. अब हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे आज का चैप्टर जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचिंग मॉडल्स के ऊपर. चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड किस बारे में है. सो टीचिंग एप्टीट्यूड उन कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करने का काम करता है जो कि टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं. इसका मतलब अगर हमें टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना है तो हमें कुछ खास चीजों के ऊपर जानकारी जरूर चाहिए, कुछ खास स्किल्स होनी चाहिए, कुछ खास नॉलेज होनी चाहिए. इस सब का एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से. उसी के साथ साथ एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए जो बेसिक क्वालिटीज चाहिए होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड ही हमें बताता है. टीचिंग एप्टीट्यूड में इंक्लूड होते हैं क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस और बाकी सारी क्वालिटीज जो एक सक्सेसफुल टीचर बनने में हमारी मदद करती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर पूछे जाते हैं एग्जाम में. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स पर, उसके ऑब्जेक्टिव, मेथड, एड्स और क्लासरूम की सिचुएशन क्या है. यानी जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें उसके कॉन्सेप्ट, उसकी जानकारी, उसके मकसद, क्या तरीका इस्तेमाल होगा, इस सब पर सवाल पूछे जाते हैं. तो आज की क्लास का एम होगा इन सारे टॉपिक्स को जितना हो सके मैक्सिमम कवर करना. इससे बिना टाइम वेस्ट करे हम आज के फर्स्ट पॉइंट से अपनी क्लास शुरू करते हैं कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है. कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है और कहता क्या है. तो सबसे पहली बात, टीचिंग का कॉन्सेप्ट दो तरीके का हो सकता है. एक होती है फॉर्मल मेथड और एक होता है इनफॉर्मल मेथड. अच्छा, अगर मैं आप लोगों से इनफॉर्मल का एक जनरल मीनिंग पूछूं तब भी आप क्या बोलेंगे कि इनफॉर्मल क्या होता है, जहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशंस का मेथड ना होकर बहुत ही एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है जब. राइट, लेट्स स्टार्ट विद इनफॉर्मल टीचिंग. सबसे पहले बात करते हैं इनफॉर्मल टीचिंग की. तो इनफॉर्मल टीचिंग जो है फैमिली या कम्युनिटी के बीच कैरी ऑन करी जाती है. अगर इसको आपको सबसे इजीली समझना है तो आप इमेजिन करिए जब एक जो है बेबी बॉर्न होता है तो उसको शुरू के एक या दो साल में जो फैमिली होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आसपास का अड़ोस पड़ोस होता है, नेबर्स, वो उसको उसकी बेसिक एजुकेशन की तरफ लेकर जाते हैं. तो सबसे पहले अगर कोई बेबी या कोई चाइल्ड या कोई टॉडलर किसी एजुकेशन को एक्सपीरियंस करता है, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस करता है, तो किसके हाथ से होता है, उसकी फैमिली या उसके क्लोज्ड वंस. तो वहां पर कोई प्रॉपर टीचर नहीं आता उसको ट्रेनिंग देने, पढ़ाने, उसको होमवर्क देने, ऐसा नहीं है. जैसे अगर आप इस पिक्चर में भी देखें तो इन्हीं के ग्रुप में से ही एक लड़की बाकी सारी गर्ल्स या बॉयज जो बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ समझा रही है. इसका मतलब यहाँ पर कोई खास मेथड नहीं फॉलो किया जाएगा, ये एक इनफॉर्मल सा प्रोसेस होगा. उसके बाद आती है फॉर्मल टीचिंग. फॉर्मल टीचिंग जो है पेड प्रोफेशनल्स द्वारा करी जाती है, जैसे टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये लोग जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं. जैसे स्कूल है या कॉलेजेस है, वहां पर टीचर्स खास इसी पर्पस से आते हैं कि स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है. जैसे अभी आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को एक लेक्चर
जो है गिव कर रही हैं, और उस सेंस में वो लेक्चर लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टीचर्स के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वो एक क्लासरूम स्टडी कर रहे हैं। ये फॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग है। अब हम जानते हैं कुछ तीन स्टेप्स में कि टीचिंग ऑल अबाउट क्या, इसको हम एक नाम दे सकते हैं कि टीचिंग है क्या, टीचिंग हमको समझाता क्या है। तो सबसे पहले टीचिंग किसी भी डायरेक्शन में एक पर्पस के लिए काम करता है, कोई खास कारण के लिए काम करता है, और वो कारण होता है किसी भी व्यक्ति को लर्न करना या करवाना, किसी को भी कोई पार्ट याद करवाना, किसी को भी कुछ समझाना, एक पर्पसफुल डायरेक्शन में काम करना टीचिंग है। टीचिंग एक मेथड है, एक अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स को दी जाती है ताकि वो अपने लाइफ में एक परमानेंट चेंज एक्सपीरियंस कर सके एक टीचर के साथ रहकर। आपने देखा होगा हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे एक टीचर हमें बहुत ज्यादा माइंड में इन्फ्लुएंस करता है, चाहे टीचिंग मेथड हो चाहे लाइफ के लेसन हो, हमेशा एक आदिक टीचर हमारे माइंड का बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है हमारे माइंड में उनका बना रहता है। इस रेफरेंस में टीचिंग एक और जो ऑप्शन है वो यही है कि स्टूडेंट्स के माइंड में परमानेंट चेंज आ जाता है। तीसरा है किसी भी नॉलेज एक्सपीरियंस या प्रिंसिपल्स को स्किलफुली अप्लाई करना, यानी एक टीचिंग का जो मेथड है वो किसी भी व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिखाता है कि उसको क्या नॉलेज यूज करनी है, उसको कहाँ पे क्या एक्सपीरियंस को यूज करना है, वो टीचर उसको गाइड करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टीचिंग मॉडल्स का बेस, बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या है। तो हमारे पास दो प्रकार के टीचिंग मॉडल्स हैं, ये अपने आप में बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनको कंबाइन कर कर जो है डिफरेंट कोर्सेज में अलग अलग मेथड से अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहला आता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। अगर आप इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग देखोगे तो ये एक कन्वेंशनल अप्रोच है, यानी एक बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा तरीका है। अच्छा, जो बोल्ड में वर्ड्स हैं वो खास कर आप लोगों को याद होने चाहिए, समझ आने चाहिए। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड यानी इसका सेंटर, इसका मेन फोकस इंस्ट्रक्टर या टीचर होगा। तो ऑफ कोर्स अगर टीचर कंट्रोल कर रहा है तो बच्चा स्टूडेंट क्या लर्न करेगा, कौन सा मटेरियल यूज करेगा, ये भी टीचर ही डिसाइड करेगा। टीचिंग की क्या स्पीड होगी ये भी स्टूडेंट ना डिसाइड कर कर टीचर डिसाइड करेगा, यानी टीचर जो है, इंस्ट्रक्टर जो है, वो स्टूडेंट को ये बताएगा कि क्या मटेरियल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी स्पीड पे पढ़ना है। तो इस मेथड का पर्पस क्या होता है, इस मेथड का मेन एम क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट को नई नॉलेज या नई स्किल अक्वायर करने का और याद करने का एक मौका देना, किसी भी स्टूडेंट को नए से नए तरीके की पढ़ाई करवाना या नए से नई स्किल याद करवाना। जो टीचिंग मेथड है वो इंस्ट्रक्टर टीचिंग मेथड द्वारा किया जाता है। इस अप्रोच को पेडागोजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। अब इसको पेडागोजिकल अप्रोच कहने के पीछे कारण क्या है? पेडागोजी एक ऐसा टर्म है जो आर्ट एंड साइंस है ऑफ टीचिंग। टीचिंग का आर्ट, टीचिंग की कला क्या होती है और टीचिंग के पीछे क्या प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं, ये पेडागोजी डिफाइन करती है। इसका मतलब टीचिंग कैसे होगी, क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा टीचिंग और लर्निंग का, किस तरीके से कंटेंट डिलीवर किया जाएगा और स्टूडेंट्स उसमें से क्या सीखेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस पेडागोजी कहलाता है। यानी आपको एक ऐसा अप्रोच है पेडागोजी जो समझाएगा टीचिंग में क्या होगा, क्या तरीका इस्तेमाल होगा, कंटेंट कैसे दिया जाएगा और स्टूडेंट कैसे सीखेगा। इसका मतलब इसमें क्या स्टूडेंट का मैक्सिमम रोल है? नहीं, इसमें टीचर का मैक्सिमम रोल है और स्टूडेंट का मिनिमम रोल। उसके बाद पेडागोजिकल अप्रोच की कुछ और खास निशानियां, लर्नर यानी स्टूडेंट
पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है इंस्ट्रक्टर यानी टीचर पे हर चीज सीखने के लिए। साथ ही साथ टीचर पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो क्या पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उसको कैसे सीख रहा है। इसका मतलब इंस्ट्रक्टर या टीचर पूरी जिम्मेदारी लेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट उसको कितना और कैसे लर्न करेगा। इसके अलावा इस अप्रोच में टीचर या इंस्ट्रक्टर ये भी चेक करता है, इवैल्यूएट करता है कि जो स्टूडेंट है उसको कैसे चीज सिखाई जा रही है, उसको कैसे चीज समझाई जा रही है। ठीक है, कि उसने कितना उसको समझा, कितना गलत किया, कितना सही किया, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं एग्जाम्स में, वो अप्रोच कैसा लगा रहा है, ये सब भी पेडागोजिकल का पार्ट है। सेकेंड मॉडल ऑफ लर्निंग आता है लर्नर सेंटर्ड। अब आपको समझ आ रहा है एक दूसरे से ऑपोजिट क्यों है, नाम से पता लग रहा है। वो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड था, यानी उसका जो केंद्र था वो इंस्ट्रक्टर था। ये लर्नर सेंटर्ड है, यानी इसका केंद्र सीखने वाला है। लर्नर मोस्टली खुद के लिए काम करता है और अपनी जो चीजें याद करता है उसके लिए खुद ही जिम्मेदारी लेता है। इसका मतलब स्टूडेंट इस बात से नहीं सीखता कि उसको बेस्ट नॉलेज कहां से मिल रही है, बल्कि वो खुद अपने लिए चीजें डिस्कवर करता है, खुद ढूंढता है, वो खुद से पता लगाता है कि अगर एक क्वेश्चन ये मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट हो। अगर मैं ये फॉर्मूला 1 यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्यों ना फॉर्मूला 2 भी लगा के देखा जाए। यानी एक स्टूडेंट अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी लर्निंग की पेस या स्पीड को भी खुद ही डिटरमाइन करता है, खुद ही सेलेक्ट करता है कि कितने टाइम में कितना चैप्टर, कितने टाइम में क्या सीखेगा। यानी अपनी स्पीड भी उसी के हाथ में होती है। इस तरह का जो हमारा अप्रोच है, इसमें जो है पार्टिसिपेंट को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जो है इंस्ट्रक्टर या टीचर ही दिलाता है, बट स्टूडेंट अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेता है। जबकि अगर आपको याद हो तो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड लर्निंग जो कि पेडागोजिकल था, उसमें टीचर या इंस्ट्रक्टर खुद सारी जिम्मेदारी ले रहा था। अब अगर वो पेडागोजिकल अप्रोच है तो ये एंड्रागोजिकल अप्रोच है, इसको एंड्रागोजिकल अप्रोच कहते हैं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी अपने आप को समझना और जानना, अपने आप को एनालाइज करना। तो ये दो अप्रोचेस जो मॉडल्स थे टीचिंग के, एक मॉडल हमने यूज किया जहां पर इंस्ट्रक्टर हेड था, यानी टीचर के हाथ में सब कुछ था, और एक जहां पर लर्नर के हाथ में सब कुछ था। एक अप्रोच का नाम पेडागोजिकल, दूसरे का नाम एंड्रागोजिकल। तो ये जो आज की क्लास थी उसमें हम लोगों ने मॉडल्स, कॉन्सेप्ट्स और सारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ खास फीचर्स टीचिंग के क्या होते हैं। टीचिंग में अलग अलग लेवल होते हैं। टीचिंग कभी भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं, बल्कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में होता है, यानी बहुत इंटरैक्शन से भरा हुआ, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो, बहुत ज्यादा लर्न सीखना, बोलना, समझना, ये सारे प्रोसेसेस हो। इसमें एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग जैसे मेथड्स का इस्तेमाल होता है। ये एक दिमाग से जुड़ी हुई एक्टिविटी यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, हमारा इंटेलेक्ट यानी माइंड को शार्प करने के लिए। ना सिर्फ एक आर्ट है बल्कि एक साइंस भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये एक कला नहीं, एक साइंस भी है, एक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ हमारा मेथड भी है। ये हमें खुद को ऑर्गेनाइज करने का तरीका सिखाता है। अगर हम एक टीचर होते हैं तो हम हमेशा समाज या सोसाइटी के भले के लिए काम करते हैं, इसीलिए ये एक सोशल सर्विस है। बहुत लंबे लंबे पीरियड में स्टडी और ट्रेनिंग करना भी टीचिंग का पार्ट होता है। टीचिंग हमें हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है जो आज शुरू हुआ और कल खत्म। जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है ये फॉर एवर का प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है टीचिंग। अब प्रोफेशनली भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी कैटेगरी है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग द क्लास, फॉर लिसनिंग टू द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट इन द सेक्शन बिलो. एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं इतने टॉपिक को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट में अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें, ताकि आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके. अब मैं आपको मिलूंगी अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 2 में. थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड.